शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव द्वारा विद्यालय के बढ़ाए गए समय सारणी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा है। आइए आगे के वीडियो क्लिप में देखते हैं कि वे विद्यालय के बढ़ाए गए समय अर्थात 9 से 5 बजे तक जो समय सीमा बढ़ाकर की गई है क्या कुछ बयान दे रहे हैं। स्कूलों की समय सीमा बढ़ाने पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। खगड़िया में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग में बढ़ोतरी किए जाने से शिक्षक और बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसी शिकायत राज्य सरकार को मिली है। सरकार मामले की समीक्षा करके जल्द समाधान निकालेगी। सरकार समीक्षा करेगी, वो आई है बातें, ये बातें आ रही है कि जो पदस्थापन के मामले में कुछ शिकायतें आ रही है तो उसको सरकार दूर करेगी। दुर्गम इलाकों में स्कूल है, महिला शिक्षाओं शिक्षिकाओं के लिए परेशानी है तो सरकार उसकी समीक्षा करके उसको दूर करे। स्कूलों के समय सीमा बढ़ाने पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान आप सुन रहे थे। खगड़िया में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग में बढ़ोतरी किए जाने से शिक्षक और बच्चों को परेशानी हो रही। स्वतंत्र इस वक्त हमारे साथ बने, इस पर तमाम जानकारी के लिए क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं कि अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाती है तो शिक्षकों और बच्चों को दोनों को स्वतंत्र तकलीफ होंगी, परेशानी बढ़ेंगी। बिल्कुल, आज शिक्षा मंत्री ने जाहिर है कि हाल ही में अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है उसका एक निर्देश जारी किया गया के पाठक के द्वारा, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों के टाइमिंग में बदलाव किया गया। अपराह्न 3 बजे से बढ़ा करके 5 बजे तक किया गया। इसको लेकर के काफी शिक्षा विभाग पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री ने आज इसको लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की शिकायत मिल रही है कि टाइमिंग में जो बदलाव किया गया है, बढ़ाया गया है, उससे स्कूली बच्चे ना केवल प्रभावित हो रहे हैं बल्कि शिक्षक भी प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है। इस तरह की शिकायत राज्य सरकार को मिली है और इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी सरकार स्तर पर और फिर इसका समाधान निकाला जाएगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया। शुक्रिया स्वतंत्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।